कृष्णा सोबती, एक नाम एक व्यक्तित्व, अपने आप में अनूठा, उन जैसा हिंदी में कोई दूसरा रचनाकार नहीं। और आज भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं के साहित्य समाज में भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह नाम आते ही उभर आती है कृतियों की एक कतार। डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, हम हश्मत, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे, ऐ लड़की, दिलोदानिश और उनकी संकलित रचनाओं की कृति सोबती एक सोहबत। 18 फरवरी 1925 को गुजरात नाम के शहर में, जो अब पाकिस्तान में है, कृष्णा जी का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। शिक्षा दीक्षा हुई शिमला, लाहौर और दिल्ली में। पूर्णकालिक लेखक के रूप में आज भी निरंतर शोध, निरंतर अनुसंधान उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। उनकी रचनाओं का क्लासिकी रचाव इसी सुरुचि संपन्न संभ्रांत व्यक्तित्व की देन है, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसे जिंदगी की हर चीज़ में गहरी दिलचस्पी है। लेखकी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा में मुखर कृष्णा सोबती ने अनेक पुरस्कार ठुकराए हैं और साहित्य जगत ने इस लेखकीय मर्यादा का मान रखते हुए अनेक सर्वोच्च अलंकरणों से कृष्णा जी को विभूषित किया है। जैसे वे 1996 में साहित्य अकादमी की फेलो रत्न सदस्य चुनी गईं। 1980 में जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, उससे पहले शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, पंजाबी विश्वविद्यालय की फेलोशिप। लेखक वक्त के साथ उगता चला जाता है, वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है, तो नामुनासिब ना होगा। आप एक रचना को एक शिल्प से, एक मानसिकता से, एक सघनता से उसको एक वजूद देते हैं। उसकी अपनी शर्तें भी आप पर लागू होती हैं। अगर लेखक उस ज़बान में, उस भाषा में प्रस्तुतिकरण करता है जो उसकी अपनी है और मात्र लिखित है, उसमें अनुभव का समावेश नहीं है, तो उसकी भाषा काफ़ी हद तक एक पीलेपन का शिकार होती है। भाषा की जो ऊर्जा है वो मात्र लेखक के अंतर में स्थित नहीं है। लेखक का अंतरंग और बहिरंग, इन दोनों को बहुत ही सजग और प्रवाहित होते रहना चाहिए। अगर आप भाषा एक विराम पर स्थित है और आप उसी से अलग अलग किस्म की चीज़ें उठा रहे हैं, तो आप इस बात में सफल नहीं होंगे। कृष्णा जी जिस तरह का परिवेश लेती थीं अपने कहानी में, उसकी भाषा में एकदम परिवर्तन होता था। भाषा और परिवेश के भीतर एक अद्भुत सा संतुलन वो कायम करती थी। ये कहानी जो कि उनकी काफ़ी विवादास्पद रही है, यारों के यार, उसमें किस तरह से दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी, क्लर्क, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ऊब, अपनी व्यर्थता का जीवन अपनी भाषाई प्रयोगों के द्वारा व्यक्त करते हैं। कभी उसमें गालियाँ भी आती हैं, कभी उसमें ऐसे शब्द भी आते हैं जो कि कभी किसी स्त्री लेखिका ने अपने लेखन में इस्तेमाल नहीं किए थे। ये एक उन्होंने एक नई ज़मीन का अन्वेषण किया और इस भाषा के परिवर्तन का जो एक दूसरा रूप देखते हैं पंजाबी परिवेश में, वो जिंदगी नामा में देखने में आया। यद्यपि उसके बारे में कई लोगों की राय है कि उनके शब्द या जिन्होंने भाषाई प्रयोग किए हैं वो ज़्यादा समझ में नहीं आते, हिंदी पाठकों के लिए वो ज़्यादा दुर्लभ हैं, समझ में नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हर पात्र वही उन्हीं शब्दों को, उन्हीं भाषा का, उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो कि उसके अंतःस्थल, जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक चीज़ मुझे जो अंतिम रूप से मैं कहना चाहूँगा कृष्णा जी के बारे में कि मैंने अभी परिवेश की बात कही थी, परिवार और परिवेश मेरे ख्याल में ये कृष्णा जी का सबसे सुदृढ़ आधारभूमि रही है। कौन समझ सकता था। मेरा अपना अनुभव रहा है दिल्ली के बारे में, क्योंकि मेरा जो अतीत है वो खुद चाँदनी चौक खत्री परिवारों से आया है। तो मैं नील का कचड़ा इत्यादि में कभी कभी जाता था अपने मामाओं के परिवार को देखने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कृष्णा जी ने इस इलाके का इतना गहन और अंतरंग अनुभव और जानकारी प्राप्त की है, जिसका कि मुझे प्रमाण मिला दिलोदानिश में। जब दिलोदानिश मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अचंभा हुआ कि वहाँ पर कायस्थ और खत्री और मुसलमान परिवारों का जो सम्मिश्रण है, एक सम्मिश्रित संस्कृति जो दिल्ली ने विकसित की थी, उसको अलग अलग पात्रों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से एक कथा बुनी है, वो अपने में एक विशिष्ट मेरे ख्याल में स्थान रखती है हिंदी साहित्य में। सोबती जी, आपके चरित्र एक दूसरे से इतने अलग हैं, बिल्कुल रेडिकली डिफरेंट। डार से बिछड़ी की पाशो, सूरजमुखी अंधेरे की रत्ती, जिंदगी नामा के ढेरों ढेरों पात्र, दिलोदानिश के वकील कृपा नारायण, महक, कुटुम्ब, प्यारी, सभी अलग अलग हैं। ऐसा मैनेज कैसे कर पाती हैं? जिसमें लेखक की खूबी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है वहाँ भी हर आदमी यकसा है और अलग अलग है। शाहजी और कृपा नारायण साहब में फ़र्क है, क्योंकि वो अलग अलग भूगोल को जीते हैं और उनका पीछे से इतिहास भी अलग है और एक अलग संस्कृति, अलग सभ्याचार। इसी तरह महबानों है, इसी तरह मित्रों मर जानी है, उनके सब अलग हैं। मुझे तो लेखक के रूप में सिर्फ उसकी पहचान भर करनी है और ये जानना ज़रूरी है कि वो सचमुच में क्या है। अगर मैं अपनी सीमाओं से अपनी क्षमताओं को आंकूं तो शायद वो मेरे होने से बाहर रह जाएंगी। मुझे उनके करीब होना है और अपने को उनसे दूर भी रखना है। इस तरीके से ये जो विभिन्नता है, ये लेखक की दौड़ नहीं है, लेखक की सिर्फ पहचान भर है। जिस बुलंदी से आप जीती लिखती रही हैं, उसे आपकी पीढ़ी के लेखकों ने कैसे लिया? अपनी पहचान बनाने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े? जी, मेरा सफ़र इतना लंबा रहा कि मैं 3 पीढ़ियों मेरी समकालीन रही हैं और मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो उसमें इन लोगों का योगदान बहुत था। एक लेखकीय सांस्कृतिक स्तर पर मैंने अपने समकालीनों से, अपने दोस्तों से और जिन्हें आप गैर दोस्त कहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। ये सच है कि साहित्य की सत्ता इतनी बड़ी है, इसमें इतने वर्ग हैं, लेकिन इसका एक अपना लोकतंत्र भी है जो अपने तरीके से इन चीज़ों को निर्धारित करता है। मैं अगर पीछे लौटूं आपके लिए तो कह सकती हूँ कि मैंने जो किया उसको मैं संघर्ष का नाम नहीं देना चाहती। जो लेखक अपने को गंभीरता से लेता है वो अपना काम गंभीरता से करता है और वो अक्सर उस चीज़ को नहीं उठाता जो उसे उसकी दौड़ के बाहर है। अपनी अनुभव के बरक्स अपनी सीमाओं को जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। हम लोग आज की तारीख में बहुत कुछ संपर्क की बात करते हैं, संपर्कवाद की बात करते हैं। मुझे लगता है कि है वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, मगर आपके शब्दों में जीवंतता होनी बहुत ज़रूरी है और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें अनुभव की परत नहीं है। आपने समय को खाद की तरह जिया नहीं है तो आप उसमें से कुछ भी अर्थवान प्रस्तुत नहीं कर सकते। कृष्णा सोबती जी जो हमारे यहाँ है अभी एज ए नेशनल फेलो, और हमने उनको आमंत्रित किया इंस्टीट्यूट में टू कम एज नेशनल फेलो। नेशनल फेलोशिप जो हमारे हैं वो सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। ये हम इन लोग को देते हैं जो हु आर एमिनेंट इन देयर फील्ड्स एज एकेडमिक्स, एज क्रिएटिव राइटर्स, और कृष्णा सोबती जी जब से यहाँ पे आए, she has made a tremendous difference to the quality of life of this place, its intellectual life. she और हमारे जितने सेमिनार्स होते हैं, नेशनल सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स, वो सब में भाग लेते हैं. She's a person of tremendous energy, great charming personality, and whatever she says, there is always an element of surprise and novelty. I don't think we could have had a better person than Krishna ji as our national fellow. यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए purely for selfish reasons, it is good because Krishna Sobti जब से आए हैं हमारे यहाँ, हमारा visibility in the rest of the country has increased. We are better known. We have become better known in the last 4 or 5 months because of our presence at the institute, and the institute needed a degree of visibility which Krishna ji has given us. So we are grateful to her for this. और जो हमारा community of fellows है इधर, उन लोग के लिए भी कृष्णा जी is a great inspiring presence. उनके जो energy है, it is just unbelievable. वो सारे रात काम करते हैं, अपने किताब लिखते हैं, रात 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो काम करते हैं, और सुबह she is as energetic as ever. She is talking to our fellows. She is taking part in all the discussions. In other words, she is a complete part of the intellectual community of this place, and we are grateful that she is here with us. आपने अभी कहा कि आप एक छोटे उपन्यास को लिखने में व्यस्त हैं, कुछ बताना चाहेंगी उसके बारे में? जी, मैं एक ऐसा उपन्यास लिख रही हूँ जो सयाने लोगों का उपन्यास है. मैं उन्हें बूढ़े कहना पसंद नहीं करती. ऐसे लोग जो अब स्मृति में जी रहे हैं, यहाँ से विदा होने को तैयार हैं या यहाँ से विदा लेने को तैयार हैं, और ये बात इतनी सरसरी सी भी लगती है कि आपको ये करना ही करना है. ऐसे लोगों के बारे में कि उनके अंदर कितना कुछ क्या छिपा है, वो कैसे सुबह को देखते हैं, कैसे शाम को देखते हैं, और कैसे इस चीज़ को महसूस करते हैं इन एहसासों के साथ कि इस लोक में हम रहे. वो अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है किसी भी इंसान के लिए. जी, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, लेखकीय संदर्भ में आप सम्मानों को देखती कैसे हैं? देखिए साहब, आपने दुखती रग छेड़ दी. ये मैं यहाँ ये कहना पसंद करूँगी कि लेखक जो अर्जित करता है अपनी लोकप्रियता या सम्मान या शाबाशी, वो अपने पाठकों से अर्जित करता है, वो लोगों से अर्जित करता है. और जिस वक़्त ऐसा नहीं होता और किसी न किसी कारणवश वो सत्ता से जुड़ते हैं, ये सभी चीज़ें, तो आपको परेशानी होती है. ये सिर्फ मेरी ही परेशानी नहीं, ये मेरे पूरे लेखक समाज की परेशानी है. वो चाहते हैं कि लेखकों की हैसियत से आप हमें चाहें, हमें, हमारी किताबों को देखें, आप हमें सम्मानित करें या ना करें, लेकिन आप ये ज़रूर हमें दें, इस बात का एहसास हमें ज़रूर दें कि हम बौद्धिक लोग हैं और हम एक चेतना को अपने लोगों के लोगों तक प्रसारित करते हैं, और इसमें ऐसी कोई चीज़ बीच में नहीं जुड़ी हुई कि हम इसलिए लेखक हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं. हम सभी जानते हैं कि हम किन चीज़ों को पर हमारा एतराज़ है. सत्ता और लेखक के बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनचाही हैं, क्योंकि आप ये हमेशा चाहते हैं लेखक होने के नाते आपको वो चीज़ प्रकट करने का हमेशा हक रहे जिसको आप गलत समझते हैं। हाँ जी, और जहाँ ये चीज़ कहीं भी अगर बनती है, आपको किसी एक जकड़ लेती है, तो आप उसके खिलाफ बोलते भी हैं, कहते भी हैं और उसको नामंजूर भी करते हैं। कृष्णा सोबती ने दिल्ली साहित्य अकादमी का शलाका पुरस्कार लेने से इनकार किया। अब सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सारे भाषाओं में सभी जगह पुरस्कारों के प्रति लोगों में जो एक प्रकार का मोह होता है, उसको देखते हुए कृष्णा सोबती ने जो किया वो सचमुच एक प्रकार की ऐसी शक्ति की मांग करता है जो सारे साहित्यकारों में नहीं होती है। हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर साहित्यकार तो पुरस्कारों की जुगाड़ में लगे रहते हैं, और पुरस्कारों की जुगाड़ में रहने के कारण वो कई प्रकार के समझौते भी एक दूसरे सरकारों से करते रहते हैं। दिक्कत यह है कि आजकल सरकारें ये मानने लगी हैं कि अगर वो किसी साहित्यकार को कोई पुरस्कार देती हैं तो वो उसके ऊपर कोई विशेष कृपा कर रही हूँ। शलाका पुरस्कार पर कृष्णा सोबती जी ने जो रवैया अपनाया वो कोई मात्र, क्या अंग्रेजी में जिसको फ्लैश इन द पान कहते हैं, वो मामला नहीं था। उनका ये रवैया उनके सारे लेखन से निकल कर आता है, वो चाहे मित्रों मर जानी हो या वो जिंदगी नामा हो। ये सारे लेखन में आप पाएंगे कि एक प्रकार की संघर्ष की इच्छा, और जब तक आखिरी सांस है तब तक जूझते रहने की तमन्ना, ये दोनों बात उनके चरित्रों में और उनके सारे लेखन से निकलकर बहुत अच्छी तरह से आती है। उनकी सब पुस्तकें राजकमल ने प्रकाशित करी हैं, और मुझे भी उनसे प्रकाशक के नाते नहीं, मित्र के नाते बहुत सारा स्नेह मिला है, और मेरा ख्याल है कि मैंने भी उनको अपनी ज़िंदगी में एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना है। जो बातें मैं उनसे अपनी कर सकती हूँ वो औरों से नहीं कर सकती, और मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ वो अपना मेरे साथ भी शेयर करती हैं। इतनी गहरी मित्रता को इतने साल निभाए रखना एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें ज़्यादा मैं कहती हूँ दरिया दिली उन्हीं की रही है। बड़ी वो स्वाभिमान वाली हैं, बड़ी थोड़ी सी अक्खड़ हैं, थोड़ी सी ज़िद्दी हैं, लेकिन जिस बात पे वो अड़ जाएं उससे उनको कोई परे नहीं कर सकता, और उनकी नज़दीकी मित्र होने के नाते मैं भी नहीं कर सकती। और ज़िंदगी में मेरा ख्याल है जब कोई स्टैंड वो ले लें तो उससे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ये कहना है कि वो स्टैंड जब लेती हैं सोच समझ के, धैर्य से, लंबा टाइम अपने आप को दे के फिर ही लेती हैं। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि इनका व्यक्तित्व बहुत और से मित्रों से बहुत भिन्न है। कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, कभी किसी की खुशामद नहीं करती हैं, किसी से कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करती। आप खुद बड़ी अपर क्लास की शालीनता है उनमें, जो कुछ लोगों को शायद आर्टिफिशियल लगती है, लेकिन ये उनकी जेन्युइन है, क्योंकि चाहे वो लोगों के सामने हो या अकेले में भी हो, तो उनके वो जो मैनर्स हैं वो कभी इधर से उधर नहीं होते। जिंदगी नामा अभी भी पूर्ण रूप से छपा नहीं है, किंतु चन्ना के रूप में यही आपका पहला उपन्यास भी है। वो चन्ना विभाजन पर ख़त्म होता है, और क्योंकि ये 50 के दशक में लिखा गया था और मैंने इसे वापस ले लिया था, कुछ शब्द बदल दिए गए थे, इसे वापस ले लिया था, तो अब मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि पहले मैंने इसको एक ढंग से अपनी आंखों से ओझल कर दिया था। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं इसे ठीक से एक तरतीब दे सकूँ, ताकि जो जिंदगी नामा का तीसरा हिस्सा है उसको मैं प्रस्तुत कर सकूँ। जी नई नई आई थी मयूर विहार में रहने के लिए, तो इनसे मुलाकात भी हुई और तभी इंडियन ये वर्तमान साहित्य का एक स्पेशल इशू, कहानियों का इशू निकला और उसमें हमको ये कहानी ऐ लड़की सबसे अच्छी लगी। तो हमारा मन हुआ कि इसको हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। थोड़ा ट्रांसलेशन करते ही थे हम, पहले डोगरी से करते थे और ये एक चैलेंज सा हमको लगा। और उसी दौरान इन साहित्य अकादमी में इंडियन लिटरेचर के एडिटर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसका अनुवाद करिए, तो हमने किया लेकिन तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने उनसे वापस ले लिया, फिर कुछ लोगों को कंसल्ट किया। एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था ट्रांसलेशन पे, उसमें हमने पार्टिसिपेंट्स से सारे भारत से आए हुए उनसे डिस्कस किया। कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके बारे में कुछ सुझाव भी आए, वो भी इनकॉर्पोरेट किए और अल्टीमेटली 3-4 ड्राफ्ट्स के बाद ये बन पाया। और फिर इसको भेजा हमने, इसको यात्रा में छपने के लिए, और उन्होंने इसको छाप दिया है। यात्रा 6 में छप गया है। अब इनकी एक और उपन्यास है, पहला उपन्यास डार से बिछड़ी, उस पर हम थोड़ा ट्रांसलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कुछ कृतियों से पाठ। और सबसे पहले सरदार सरोवर बांध से विस्थापित होने वाले नर्मदा किनारे के आदिवासियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में ये पत्र। महामहिम राष्ट्र के कोटि कोटि संतानों के पुरोधा, हम नर्मदा माई के किनारे के आदिवासी आपसे इतनी ही अर्ज करना चाहते हैं कि हम माँ नर्मदा के अन्न जल से पले बड़े बच्चे अपनी धरती से, उसकी छां से हमेशा हमेशा के लिए विस्थापित किए जा रहे हैं। महामहिम, अपनी अंतिम पुकार लेकर हम आपके सामने खड़े हैं, हमें हमारी पुण्यवती धरती से ना उखाड़िए। हम आदिवासियों के प्राण माँ नर्मदा के हरे भरे में बसते हैं और इन्हीं घनेरे वनों और वनस्पतियों में हम जीवों के प्राण रसते हैं। माँ नर्मदा हमारी जननी है और गाढ़े गुथे प्राचीन जंगल हमारे जनक हैं। महामहिम, विशाल भारत महादेश के इस भाग में हमने जन्म पाया है और इसी नाते पवित्र नर्मदा की धरती और जल हमारे हिस्से में आया है। जाने हम कब से मोटरी माई के किनारे जिए चले जा रहे हैं, इसी के वरदानों की छां में पलते चले आ रहे हैं। यहीं की धूप छां में हमारे प्राण बसते हैं, यह घने बादल और बरखा में हमारे मन भाव खिलते हैं। हम भी भारत देश की संतानें हैं, हम भी लोकतंत्र में भागीदार हैं, हमसे हमारे होने को ही क्यों समेटा जा रहा है? क्यों हमें अपने प्राचीन ठिकानों से भगाया जा रहा है? क्यों हमारे पितृ और मातृ स्रोतों से हमें बाहर फेंका जा रहा है? हमारा कहा सुना क्षमा करें महामहिम। क्या हम आपके गणतंत्र की सतोली संतानें हैं? हम भले अनपढ़ हैं पर इतना तो जानते हैं कि मनुष्य देह धारण करके हमें अपने पूर्वजों की धरती पर खड़े होने का अधिकार है। हमें जल, धरती और जंगल को अपना समझकर भाव जताने का अधिकार है कि वो हमारे अपने हैं। हमें अपने जानवरों को अपनी भूमि पर चराने का अधिकार है। हमें अपने पेड़ों से तिथि मास दिन वार मिलाने का अधिकार है। सच है हमारी आंखें लिखे अक्षर नहीं पहचानती, पर वो जंगलों की जीवित भाषा जानती। जानवर, पाखी, पत्ते, झाड़, झाड़ियाँ, टहनियाँ, पहाड़, पठार, झरने, नद, नदियों से संवाद करना चाहते हैं। हमारी इस सहज संपदा को क्यों नष्ट कर रहे हैं? महामहिम, हमारे सीधे साधे भोलेपन को शहरी परायेपन से क्यों मसल देना चाहते हैं? हमारी पीढ़ियों की श्रृंखलाएं, कुनबे सरदार सरोवर में डूब जाने को हैं। हम सीधी साधी अनपढ़ जनजातियों की क्या सामर्थ कि हम सरकार के गलत फैसलों को रद्द करवा सकें? हमारी आदिवादी हैसियत भी इतनी कहाँ कि हम राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय के आगे प्राप्ति हो सकें। महामान्य, हमारे लोकतंत्र की किसी भी कानूनी धारा में हमारे विरोध और प्रतिवाद का क्यों कोई इलाज नहीं? आपकी स्वाभिमान ने निर्बल प्रजा के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम दुखतों की आवाज सुनिए। महामहिम, आपके होते हमारा आज, हमारा कल, हमारा अतीत, हमारी निरंतरता और हमारा भविष्य सभी कुछ महादानव सरदार सरोवर में डूब जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। हम पहले की तरह क्या कभी नहीं जिएंगे। हम जान गए हैं कि हम किसी के कुछ नहीं लगते, हमारे मूल अधिकारों के नाम पर हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। देश की कानूनी गाथा हमारे जीने और मरने के बाहर है। सरकारी हुक्मनामे से हम आदिवासियों का अंत आ गया है।